जी रोड, और ये मेट्रो में इतना सा रास्ता है, मेट्रो में आते हुए भी एक कांड हो गया, मैं वो बताता हूँ बाद में क्या कांड हुआ क्या हुआ। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट बुक्स खरीदने, कुछ बुक्स बेचने। लेट्स सी, अभी शौरदीप भी आ रहा है उधर से, शौरदीप कॉलेज से सीधा आ रहा है, तो देखते हैं और सुनते हैं उसका कॉलेज एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत आपको भी बताते हैं कैसा है गुरुदास का कॉलेज एक्सपीरियंस। অবশেষে ভালো দেশে চলে যাব, অবশেষে ভালোবেসে চলে যাব। तुम्हारा कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? वॉशरूम किच्चू है ना भाई, এদিকে তাকি এদিকে তাকি বল গুরুদাস গুরুদাস ভাই কলেজ গুরু এই দেখো এই ছেলেটা এই ছেলেটা গুরুদাসে পড়ে, এ একদম বাজে কলেজ বলছে, কে ধরে খেলাবে ধরে। আমি আয়ে বুকস লেনে বুকস वगैरह इधर हो रहा है, ये हमारे पीछे दुकान है, यहाँ पे आए हैं बस, अभी बहुत भूख लग रहा है, देखते यहाँ से इसके बाद हम कॉफ़ी हाउस जा सकते हैं। लेट्स सी, उस दिन इसने बिल दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन आज मैं बिल नहीं देने वाला, आज भी यही बिल देगा। बहुत पैसा है इसके पास, ये जमींदार है, बहुत पैसा खर्च नहीं करता, बहुत पैसा, बहुत, ये पूरा दुकान खरीद लेगा इतना पैसा वगैरह लेना, सब कुछ हो चुका है। अभी मैं दूसरा एक बुक देख रहा था जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, देखता है वो मैं ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, पैसा है मेरे पास अभी लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। अभी बस हम जा रहे थे कॉलेज स्क्वायर का पंडाल के अंदर, थोड़ा बहुत देखने जाएंगे, लेट्स सी, देखते हैं। अभी कॉलेज स्क्वायर का पंडाल, और ये अभी तक बन रहा है, अभी तक बना हुआ नहीं है, पूजा बस कुछ ही दिन बाकी है लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है लगता है, अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, देखो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है देख के। इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर आ चुके हैं, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही होगी क्योंकि माइक वाइक कुछ है नहीं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। अभी इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर बैठा हूँ मैं, अभी मेनू देख रहे हैं क्या ऑर्डर कर सकते हैं। आ चुका है, ये है चिकन फ्राइड राइस, ये चिकन से ज़्यादा वेज फ्राइड राइस लग रहा है मुझे, लेकिन चलो कुछ तो होगा, अच्छा बहुत अच्छा पूरा कुछ तो होगा, ट्राई करते हैं, ट्राई करके बताता हूँ मैं कैसा है, उसके बाद बताते कितना स्टार दूंगा मैं इसको। बुक्स ख़रीदना हो चुका था और अभी कॉफ़ी हाउस से मैं निकल चुका हूँ, और अगर मैं उसको चिकन राइस जो था उसको मैं रेटिंग दूँ तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, मैं ऑलमोस्ट टू स्टार दूंगा उसको, बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट मच गुड बट इट इज़ प्रीटी मच ओके। आफ्टर दैट आई बाय अनदर बुक दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स, और वो 150 रुपये का पड़ा, वो फ्लिपकार्ट में भी 150 का ही था, लेकिन फ्लिपकार्ट में डिलीवरी चार्जेस वगैरह ये सब भी लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से उठा लेते चलो, तो वो वाला एक बुक भी ले लिया। मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ कि कौन सा बुक मैंने खरीदे और कितने के पड़े मुझे, क्या हिसाब किताब सब कुछ मैं घर जाके दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ एमजी रोड की तरफ, अभी यहाँ से पकड़ूंगा मैं मेट्रो, मेट्रो से सीधा घर। और बस अभी आ चुके हैं घर, अभी बस मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी बुक्स लाया हूँ मैं, और ये मैं पिटारा खोलूंगा, सब कुछ निकालूंगा। ये जो ये वाली बुक मैं लेके गया था बेचने के लिए, बिकी नहीं, ये है, ये लाया हूँ मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स अकाउंटिंग वॉल्यूम 1, ये है सेमेस्टर 1 की, और उसके बाद है हमारे पास ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी वॉल्यूम मैंने बीकॉम सेमेस्टर 1 की, ये भी लाया हूँ मैं आज कॉलेज स्ट्रीट से, और
है मेरे पास, ये है बिजनेस लॉ, और उसके बाद है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पीएम, ये भी सेमेस्टर वन की है, सारी बीकॉम की बुक्स है। और उसके बाद है मेरे पास एक स्पेशल वाली बुक जिसका नाम है द एटॉमिक हैबिट्स। और विश्वास नहीं करोगे, ये वाली बुक मुझे इन सारी बुक से सस्ते में मिली है, और ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि सारी बुक से ज़्यादा वैल्यू इस बुक के अंदर है। इस बुक के अंदर जितना वैल्यू है वो इस सारी बुक्स के अंदर नहीं होगा, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। और आज का व्लॉग बस हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अभी मैं आ चुका हूँ घर के अंदर, और बस आज का व्लॉग यही है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं अभी। अभी मैं थोड़ा काम करने बैठूँगा, यही है मेरा स्टूडियो, जैसे कि देख पा रहा हूँ बहुत बिखरा है अभी, और अभी बस मैं ऑफिस का थोड़ा वर्क करने बैठूँगा। और मेरा लैपटॉप वाला व्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है, शायद ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि अभी बीच में शायद दुर्गा पूजा के व्लॉग्स आएंगे, उसके बाद शायद बहुत देर बाद ये व्लॉग जाएगा। लेकिन आज का व्लॉग अगर पसंद आया सबको, ये थोड़ा सा छोटा व्लॉग होगा, शायद थोड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाने की कोशिश की मैंने, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर बहुत अच्छा लग गया ऐसे ही नए नए व्लॉग्स देखना चाहते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, एज ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।